चैप्टर नंबर 13, ईमानदारी एक सर्वश्रेष्ठ नीति है। जब मैं कहता हूँ कि ईमानदारी एक सर्वश्रेष्ठ नीति है, तो मेरा मतलब बिल्कुल यह एक नीति है और इससे सबसे यह एक सबसे अच्छी नीति है। इसका अनुसरण आप अधिकतर समय कर सकते हैं, लेकिन मेरा मतलब है यह एक नीति है, यह कोई कानून या नियम नहीं है। यह एक ऐसी चीज है जिसके इस्तेमाल आप अपने काम में करते हैं जब यह आपके सर्वश्रेष्ठ हित में होती है। जाहिर है, आमतौर पर सच बोलना आपके सर्वश्रेष्ठ हित में होता है, खासतौर पर अगर यह किसी ऐसी चीज के बारे में है जिसके बारे में ग्राहक को बाद में पता चल सकता है। कोई भी सभी दिमाग का सेल्समैन किसी ग्राहक को यह बताने के बारे में नहीं सोचता है कि वह 8 सिलेंडर की कार खरीद रहा है, जबकि वह उसे जो बेच रहा है वह 6 सिलेंडर का मॉडल है। जब भी वह पहली बार कुछ हुड खोलेगा और डिस्ट्रीब्यूशन कैप से निकलने वाला तार गिनेगा, तो आपको भारी नुकसान हो जाएगा, क्योंकि वह 250 से ज्यादा लोगों को आपकी बुराई करोगा। जब मैं सुझाव देता हूँ कि किसी प्रोस्पेक्ट को सच्चाई न बताने के कुछ मौके होते हैं, तो मैं ऊपर बताई गई चीज़ों के बारे में नहीं बोल रहा हूँ। मान ले कोई प्रोस्पेक्ट मुझसे फ़ोन करके पूछता है कि क्या मेरे पास कोई ऐसी विशेष कार है जो एक खास तरह के उपकरण से सुसज्जित है, क्या आप जानते हैं? मैं उसे क्या कहूँगा? हाँ, सही समझे, मैं कहूँगा मेरे पास एक ऐसी कार स्टॉक में है और आप उसे आज ही उठा सकते हैं। अब हो सकता है कि मैं सच बोल रहा हूँ, या हो सकता है कि मैं सच ना बोल रहा हूँ, क्योंकि ऐसी कॉल आने पर मैं स्टॉक की सूची नहीं देखता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आदमी यहाँ आए, संभावना इस बात की है कि मेरे पास उनकी मनपसंद कार होगी, क्योंकि हमारे स्टॉक की सूची बहुत ही बड़ी होती है। या अगर मेरे पास वह कार नहीं है, तो मैं उसे बहुत तेज़ी से बुला सकता हूँ, क्योंकि इस इलाके के दूसरे डीलर के साथ हमारा समझौता है और हम उसके साथ कारों की अदला बदली कर सकते हैं। इस तरह हम पूरे क्षेत्रीय भंडार का लाभ ले सकते हैं। लेकिन क्या होगा अगर मेरे पास उनकी चाही कार नहीं होगी, तो सिवाय सीडी प्लेयर के, या शायद मेरे पास सही स्टीरियो वाली कार ना हो तो, या मैं उसे मंगा सकता हूँ, या लेकिन वह नीले के बजाय भूरे रंग की हो। मैं ग्राहक को कितना झूठ बोल सकता हूँ? अधिकतर मामलों में बहुत छोटा सा। और वैसे भी अगर वह आने पर शिकायत करता है, तो मैं उसे रिकॉर्ड की गलती का दोष दे सकता हूँ। जो लोग कार खरीदना चाहते हैं, उनमें अधिकतर उसी समय खरीदना चाहते हैं, इसलिए मैं भी उन्हें उसी समय कार बेचना चाहता हूँ। ग्राहक की पसंदीदा हूबहू स्पेशलिस्ट ऑर्डर कार बनाने में 1 महीने का समय लग सकता है, और अधिकतर मामलों में कोई भी इंसान इस कार के हर छोटे विवरण के बारे में इतनी जिद नहीं पकड़ता जिसे उसने अपने दिमाग में चुन लिया है। कुल मिलाकर लगभग 2 दर्जन रंग होते हैं, और वे बहुत से लोगों को पसंद न हो तो फैक्ट्री उन सभी कारों के रंगों की कारों बनाती ही नहीं। इसलिए मैं उसे काफ़ी कुछ वही दे सकता हूँ जो वह चाहता है। मान ले आप किसी खास हिस्से का पाउंड गोश्त मांगते हैं, अगर वह 16 औंस के बजाय 15 या 17 औंस गोश्त देता है, तो आप यह नहीं कहेंगे कि वह उसे अपने ही पास रखे, बशर्ते वह आपसे वाजिब कीमत ले रहा हो। मैं किसी को ग्राहक से झूठ बोलने की सलाह नहीं दे रहा हूँ। मुझे सच पर यकीन है कि ईमानदारी ही सर्वश्रेष्ठ नीति है, लेकिन ईमानदारी अंशों का मामला है। यह कभी भी पूरी तरह एक तरफ या पूरी तरह दूसरी तरफ नहीं होती है। जब कोई ग्राहक अपनी पत्नी व बेटे के साथ अंदर आता है और आप कहते हैं आपका बच्चा कितना प्यारा है, तो यह सच है या झूठ है? हो सकता है कि इतिहास का सबसे दुखी दिखने वाला बच्चा हो, लेकिन अगर आप कुछ पैसा बनाना चाहते हैं, तो आप निश्चित रूप से यह नहीं कहेंगे। अगर आप किसी आदमी को नया ओवर कोट बेच रहे हो, तो आप उसका पुराने ओवर कोट को देखकर यही कह सकते हैं आपने निश्चित रूप से इसका अच्छा इस्तेमाल किया है। भले ही उस वक्त आप मन में सोच रहे हो तुम्हारे इसे खरीदने से 2 साल पहले यह फैशन से बाहर हो गया है, और तुम्हें इसकी कहानी पर टार टार होने से पहले ही उठाकर फेंक देना चाहिए था। अब जो आप बेच रहे हैं, उसे पसंद आएगा, बशर्ते आप उनकी मौजूदा चीज को पसंद करें।
यह शायद आपको बहुत स्पष्ट होगा, लेकिन मैं कई बार सौदों को इस वजह से टूटते देखा है क्योंकि सेल्समैन ने छोटा सा दयालुपना, झूठ बोलने के बजाय सच बोलकर ग्राहक को नीचा दिखाने की कोशिश की है। जब कोई ग्राहक सेल्समैन से पूछता है कि वह उसकी पुरानी कार के कितने पैसे देगा, तो मैंने सेल्समैन को कहते सुना है, इस खटारा का देखिए, हो सकता है कि उस कार के चारों टायर घिसे हुए हो और उसे कई आंतरिक टायर ना हो सकता है कि वह डीलर डीजल इंजन से भी ज्यादा तेल जला रही हो सकता है कि उसमें वैसी बदबू भरी हो जैसी बास्केटबॉल मैच के बाद लॉकर रूम में भरी होती है। लेकिन चाहे जो जैसी भी हो, वो उसकी कार है और उसमें वह बैठकर आपका आप तक आया है, और हो सकता है कि वह उससे प्रेम करता हो। भले ही वह उससे प्रेम न हो, लेकिन उसे कोसने के या धिक्कारने का हक सिर्फ उसे ही है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप उस आदमी का अपमान कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा झूठ बोले। उसे बताए कि वह कितना अच्छा ड्राइवर है जो उसे कार को 1,20,000 में मिल चला लिया। यह सुनकर उसे अच्छा लगेगा, दरअसल इतना अच्छा कि वह ज्यादा बहस नहीं करेगा। जब आप उसे पुरानी कार के उतने ही पैसे देंगे जितने कि उसे मिलना चाहिए। मैं सिर्फ यही नहीं कह सकता हूँ कि लोगों को चापलूसी पसंद आती है, भले ही वे आप जानते हैं कि आपकी कही बात पूरी तरह सच नहीं है। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात, जब आप उनकी पत्नी की पोशाक, उनके बच्चे की सुंदरता या उनके पहने हुए चश्मे की फ्रेम की तारीफ कुछ जुमले के उछाल कर देते हैं, तो उसे एक सुखद निहत्या करने वाला माहौल बन जाता है। इस तरह की बातचीत वह छुटपुट चर्चा है जो ग्राहक के इस शुरुआती डर को दूर कर देती है कि आप उसके दांतों के से सोना निकालना चाहते हैं। उसे सैनिक लोग हमले के मुख्य बिंदु से ध्यान हटाने वाली कार्यशैली कहते हैं, और भले ही वह आदमी प्रतिक्रिया ना करे, लेकिन मैं उसे तब तक कायम रखने की कोशिश करता हूँ जब तक कि मैंने उसे थोड़ी प्रतिक्रिया देने के लिए प्रेरित ना कर दूँ। मैं बातचीत में कई अन्य प्रकार के विषयों पर बात करूंगा, लेकिन आपको किसी दूसरे विषय में इतने संलग्न भी नहीं होना चाहिए कि आप यही भूल जाए कि आपके पास क्यों आया है। वह भूल सकता है, लेकिन आपको कभी नहीं भूलना चाहिए, एक पल के लिए भी नहीं। आप बेचने की स्थिति में एक अभिनेता है और आपको यह बात कभी नहीं भूलनी चाहिए। टाइमिंग या सही समय वह समय से मूल्यवान गुण है जो किसी अभिनेता के पास हो सकता है, लेकिन यह एक ऐसी चीज है जिसे आपको मेहनत से हासिल करना होता है। जब मैं सप्ताह पर कहीं कहीं दूर जाना चाहता हूँ तो मैं आमतौर पर लास वेगस जाता हूँ। इसके पीछे दो कारण होते हैं। एक तो यह कि यह एकमात्र जगह है जहाँ मैं जुआ खेलता हूँ। मैं जीतने की उम्मीद नहीं करता, लेकिन मैं कभी इतना ऊंचा दांव नहीं लगाता कि हारने का बर्दाश्त न कर पाऊँ। मैं जानता हूँ कि संभावनाएं क्या है और मैं जानता हूँ कि वे मेरे खिलाफ है, लेकिन फिर भी मुझे उसमें मजा आता है। मेरे लास वेगास जाने का दूसरा कारण है डॉन रिकल्स को देखना, जो संसार के सबसे अच्छे अभिनेताओं में से एक है। मैं उनकी टाइमिंग, उनके चेहरे के हाव भाव, यहाँ तक कि उनके तरीकों को भी याद देखता हूँ जिनमें वे अपने मशहूर अदा में दूसरों का अपमान करते हैं। ऐसी बात नहीं कि मैं कभी किसी ग्राहक का अपमान करना चाहता हूँ, लेकिन मैं तो बस यह दिखलाना चाहता हूँ कि वे वहाँ के लोगों में से किसी को भी अपमानित करने कैसे गुस्सा दिला सकता है, और फिर उस आदमी के क्रोध को मुस्कान में कैसे बदल दे सकता है। क्रोध को मुस्कान में बदलना वैसा ही है जैसा हम करते हैं, डर को विश्वास में बदलना, नहीं को हाँ में बदलना। आप चाहते हैं जब आप किसी ग्राहक को कुछ बेच रहे हो तो वह आपका विश्वास करे, और आप यह भी चाहते हैं कि आपके पास से जाने के बाद वह आप पर विश्वास करे। इसलिए आप उनसे कभी कोई बड़ा झूठ नहीं बोलना चाहते जिसे वह बाद में पकड़ सके। आप उसे कभी नहीं ऐसी चीज बताना चाहोगे जिस पर यकीन करने के लिए उसके दोस्त और रिश्तेदार उस पर हंसे। और कई बार तो आपको ऐसे व्यक्ति को कुछ ऐसा करने से भी रोकना पड़ता है जिससे उसे बाद में शर्मिंदा होना पड़े। बहुत से व्यवसाय हैं जहाँ किसी उत्पादन की असली कीमत प्राइस टैग पर लिखी कीमत से बहुत अलग होती है। जैसा कार व्यवसाय में हर कोई जानता है, हर नई कार की विंडो पर एक स्टिकर लगा होता है जिस पर निर्माता के अंशतः
कीमत लिखी होती है। अधिकतर लोगों को यह बात पता होती है कि ज्यादातर कारें स्टिकर पर लिखी कीमत के से कम में खरीदा जा सकती है। कॉल्वेट्स जैसी कुछ कारें मुश्किल से मिलती है, इसलिए वे स्टिकर पर लिखी कीमत पर ही बिकती है। यही हाल कैडिलैक, क्विंटिबल्स और बहुत सी अधिकतर कारों का है। लेकिन अधिकतर अमेरिकन कारें अंततः कीमत से कम में खरीदी जा सकती है, और ऐसा जैसा मैंने बताया, ज्यादातर लोग यह बात जानते हैं, लेकिन कुछ लोग नहीं जानते। खास तौर पर अगर वे किसी ग्रामीण कस्बे से आए हो जहां एक या दो डीलर ही हो और आमतौर पर दिखाया जाने वाला डिस्काउंट ना देते हो। कई बार मेरे पास आते हैं कस्टमर, कार को देखते हैं और स्टिकर पर लिखी पूरी राशि चेक पर लिखने लगता है। आप पूछते हैं इसमें क्या गलत है, दरअसल कुछ नहीं, स्टिकर पर यही कीमत लिखी है। और बहुत से लोग पूरी कीमत चुकाने की उम्मीद करते हैं और जानते भी है कि मोल भाव कैसे करना है। कुछ लोग को बस मोल भाव पसंद नहीं है, तो फिर मैं ग्राहक से पूरा पैसा क्यों ना लूं। देखिए, बहुत से व्यापारियों से आप यही करते हैं, लेकिन कार का व्यवसाय में खासतौर पर सेवरले जैसी बड़ी संख्या में बिकने वाली कार बेचने में, जैसे आप ही कहीं भी खरीद सकते हो, यह खतरनाक हो सकता है। बहुत से कार सेल्समैन मुझसे संभवतः नहीं होंगे, लेकिन मैं सोचता हूँ कि जब भी कोई ग्राहक सचमुच पूरी कीमत चुकाना चाहता है तो पूरी कीमत लेकर वे गलती कर रहा है। मान ले ग्राहक कार खरीदने के बाद आपको अपने समुदाय की मीटिंग में जाता है। नई कारों के बारे में एक खास बात यह है कि लोग अपने मित्रों और पड़ोसियों पर उनकी शान जानना पसंद करते हैं। यह सौदे को पूरे करने का बहुत प्रभावी तरीका हो सकता है, जैसा मैं बाद में वर्णन करूंगा। लेकिन इस ग्राहक को देखे, उसने अभी अभी प्राइस टैग पर खरीदी हुई कीमत चुकाई है। वह अपनी मीटिंग में जाता है, अपने दोस्तों को अपनी नई कार दिखलाने के लिए कार पार्किंग में ले जाता है। कोई पूछता है कितने में खरीदी 40, और 40 स्टिकर की ओर संकेत करता है, जिसे उसने यह दिखाने के लिए लगा रहने दिया है कि वह बिल्कुल नई है। क्या तुम तो बड़े मूर्ख हो जो तुमने एक नई कार के लिए स्टिकर पर खरीदी कीमत चुका दी। यह सुनने के बाद चार्ली के मन में क्या सोचेगा, यही कि मैंने उसे शर्मिंदा किया और उसे धोखा दिया, और उसके सभी मित्रों तथा समुदाय के सदस्य जान जाते हैं कि वह एक मूर्ख है। थोड़ा देंगे तो बदले में क्या कुछ मिलेगा, थोड़ा देंगे तो बदले में क्या कुछ मिलेगा। देखिए, मैं जानता हूँ कि सेल्समैन पूरी कीमत लेता है, वह ज्यादा कमीशन कमा लेता है, लेकिन मैं सोचता हूँ कि अधिकतर मामलों में यह जोखिम नहीं लेना चाहिए। तो मैं दोनों $200 गवा गवा कर चार्ली को दोस्त बनाने का अवसर हासिल करना चाहूंगा। अगर वह पूरी राशि का चेक लिख देता है, लेकिन उसी समय मैं कहता हूँ उसमें ऐसे 250 कम कर ले, या मैं डोर गार्ड ट्रिप ट्रिम और फाइव स्टील रेडियल मुफ्त में देगा, तो चार्ली यह सोचेगा कि मैं कटी हुई ब्रेड के बारे में संसार की सबसे नायाब चीज हूँ, और वह लोगों को मेरे बारे में बताएगा शायद इस बारे में कि भी वह तो पूरी राशि का चेक लिखने वाला का था, लेकिन मैंने जो जियाद ने उन्हें ऐसा करने नहीं दिया। देखिए, स्टिकर पर लिखी कीमत सच्ची है, हालांकि यह सच है, लेकिन अगर आप किसी ग्राहक को इस पर यकीन करने देते हैं तो आप उनके साथ बुरी मुश्किल में पड़ सकते हैं। मैं कोई इंजीनियर होने का दावा नहीं करता, मैं हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी नहीं कर पाया था और वहाँ पढ़ते वक्त भी कोई सुपरस्टार नहीं था, इसलिए मैं जो कार बेचता हूँ उसके उसके तकनीकी विवरणों को जरूर से ज़्यादा शामिल नहीं होता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं तकनीकी लोगों को लंबी दूरी के ट्रक के ट्रेडम दूरी बेच रहा हूँ, लेकिन कई बार किसी ग्राहक के दिमाग में कोई तकनीकी तथ्य भरा होता है। उनके साले ने उनसे बताया था कि अगर कार में एक निश्चित रियल एक्सल अनुपात होगा तो उससे गैस बचेगी। देखिए, मैंने उनकी जांच की है और बचत की राशि सिक्कों में आती है, इसलिए जब कोई आदमी मुझसे पूछता है कि क्या कार 3.25 अनुपात है जैसा कि वह चाहता है, तो मैं कहूंगा आप सही है, आप निश्चित रूप से कारों की जानकारी रखते हैं ना। तो उससे दो उद्देश्य पूरे होते हैं। पहली बात
उसकी वह अच्छी इच्छा महसूस करते हैं। दूसरी बात, उनकी वजह से मैं तकनीकी विवरणों की पुस्तिका में देखने की या सर्विस डिपार्टमेंट में को फ़ोन करने का या फैक्ट्री को फ़ोन करने से बच जाता हूँ। इससे मेरी बेचने की प्रक्रिया में बाधा आ सकती थी। अगर ग्राहक कोई ऐसी बात करता है जिसे सचमुच बहुत फर्क पड़ सकता है तो मैं उसकी पूरी जांच करूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वो कमी के बारे में यह सोचे कि मैंने उसे किसी मामले में धोखा दिया है। कभी नहीं। लेकिन एक्सेल अनुपात और इस तरह की चीज़ें मायने नहीं रखती है। मैं किसी के से नहीं कहूंगा कि कोई पॉलिश टेस्ट टूल 100% ऊनी है, और मैं किसी गृहिणी से कभी नहीं कहूंगा कि यह फ्रिज 22 क्यूबिक फुट का है क्योंकि वह केवल 17 फुट का है, क्योंकि ऐसी बातें लोगों को पता लगा लेते हैं और फिर वे कभी नहीं बोलते, और भले ही उन्हें इतनी शर्म आती है कि अपने दोस्तों को अपनी वस्तु तो ना बताएं, लेकिन वे किसी दूसरे तरीके से अपनी आपके स्टोर पर और उनके उत्पादन की आलोचना करेंगे। जॉर्ज इलाज का 250 का नियम हमेशा सक्रिय रहता है। तो हम ईमानदारी सर्वश्रेष्ठ नीति है और लौटते हैं, और हालांकि थोड़ी सी चापलूसी और यहाँ तक कि थोड़ा सा झूठ भी कई मामलों में उपयोगी होता है। कोई बड़ा झूठ बोलने से आपको सिर्फ यह लाभ होता है कि आप यार दोस्तों को बाद में ही बताए कि आपने कैसे किसी को बेवकूफ को चूना लगाया, लेकिन अगर इसी तरह बेचने से आपको रोमांच मिलता है तो आप देर सवेर खुद ही कब्र खोदने जा रहे हैं, और आप हम बाकी सेल्समैनों के काम को भी मुश्किल में बना रहे हैं। तो संतुष्ट ग्राहक बनाकर पैसा बनाना चाहिए ताकि वे बार बार लौट कर आए और अपने मित्रों को भी भेजे। अगर आपको इस बात पर विश्वास नहीं है तो मेरी बात पर यकीन कर ले। मैं संसार के किसी से भी ज़्यादा कार्य बेचता हूँ और मैं इस पर यकीन करता हूँ। आप सच बोलकर या संभावित ग्राहक को बेहतर महसूस करवा कर कभी पकड़े नहीं जाएंगे। चैप्टर नंबर 13 समाप्त हुआ। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।